जय हिंद, वंदे मातरम। बच्चों कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का आज एक और फिजिक्स के बहुत ही इम्पॉर्टेंट और खूबसूरत लेक्चर के बारे में हम लोग बात करेंगे। बच्चों आज हम बात करेंगे सेल्फ इंडक्शन या स्वप्रेरण के बारे में। बच्चों आप सभी ने पीछे पढ़ी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो बच्चों जब हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ने हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा कंपाउंड दिया। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ने बच्चों हमें क्या दिया? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ने हमें दिया कैपेसिटर। कैपेसिटर आपने पढ़ा है। कैपेसिटर का काम बच्चों क्या होता है? कैपेसिटर जो है वो स्टोर करती है एनर्जी को, स्टोर एनर्जी, और किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस के फॉर्म में। इसी तरह से जब हम लोगों ने बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ा, सेकंड चीज़ पढ़ी, और वो क्या थी बच्चों हमारी? करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा हम लोगों ने। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने पढ़ा रेजिस्टेंस के बारे में और ये बच्चों रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा। इसी तरह से हम लोग अगर करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट की बात करें तो अभी तक मैग्नेटिज्म ने ऐसा कुछ खास हमें दिया नहीं, लेकिन आप कहीं परेशान ना होइए, आज मैग्नेटिज्म हमें देने जा रहा है और उस डिवाइस का नाम है इंडक्टर। इंडक्टर और उसका सिंबल बच्चों, आप इसको बहुत सारे बच्चे कहेंगे तो क्वाइल है, हाँ मैं भी कहता हूँ इसको क्वाइल कहिए, सोलेनोइड कहिए, इंडक्टर कहिए, सारी चीज़ें एक हैं। तो बच्चों हम लोग आज इस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, और ये टॉपिक अगर आप ध्यान से समझेंगे तो इस सेल्फ इंडक्शन के बाद हम लोग बच्चों म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में भी बात करेंगे, वो टॉपिक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस टॉपिक से रिलेट करता हुआ है। सो ये टॉपिक खुद के लिए तो इम्पॉर्टेंट है, आगे के भी टॉपिक के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर मैं तीन डिफरेंट टर्मिनोलॉजी को क्लियर करना चाहूँगा बच्चों, तीनों आपकी सॉरी इंडक्टर से जुड़ी हुई हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर इंडक्टर जो है, जिस इंडक्टर वर्ड को बोल रहे हैं हम, इंडक्टर एक्चुअल में एक डिवाइस है। इंडक्टर एक डिवाइस है, और अगर हम बात करें सेल्फ इंडक्शन की तो बच्चों सेल्फ इंडक्शन इज अ काइंड ऑफ फिनोमेना। और अगर हम बात करें बच्चों सेल्फ इंडक्शन के बाद इंडक्टर और इंडक्टेंस की बात करें तो इंडक्टेंस क्या होता है? हिंदी मीडियम के बच्चे भी समझेंगे अभी। तो इंडक्टेंस बच्चों होता है प्रॉपर्टी, जैसे किसकी बात करें हम, तो बच्चों जैसे हम बात करें अगर हम बात करें कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर या संधारित्र आपको पता है कि वो ऊर्जा को स्टोर कर लेता है, एनर्जी को स्टोर कर लेता है, उस प्रॉपर्टी को हम कैपेसिटेंस बोलते हैं, ठीक है ना, उसकी धारिता बोलते हैं। जैसे बच्चों हम बात करते हैं संधारित्र, तो संधारित्र के लिए हम लोग क्या वर्ड बोलते हैं बच्चों, कि संधारित्र की धारिता होती है। वैसे ही हम कहेंगे आपका जो इंडक्टर होता है, जिसको आप क्वाइल या सोलेनोइड जैसा फिगर देख रहे हैं, वो भी एक डिवाइस है, जैसे आपका संधारित्र या आपका कैपेसिटर भी एक डिवाइस है, और वो स्टोर करता है एनर्जी को, उसकी इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं उसकी धारिता या कैपेसिटेंस। वैसे हम लोग इंडक्टर की प्रॉपर्टी को बोलेंगे इंडक्टेंस, हम लोग इंडक्टेंस बोलेंगे बच्चों। तो आज के वीडियो में हम लोगों को बात करनी है इंडक्टर के बारे में, इंडक्टेंस के बारे में और सेल्फ इंडक्शन के बारे में। बच्चों इन तीनों में बहुत ही लंबा चौड़ा सा डिफरेंस है, जब आप वीडियो को पूरा देख चुके होंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये फिनोमिना तीनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों, हम इसके लिए क्या लेंगे, हम लोग इसके लिए प्रैक्टिकल के ऑब्जर्वेशन के लिए लेंगे एक सोलेनोइड आप बोल सकते हैं इसको, या हम इसको एक क्वाइल बोल सकते हैं। ये एक सॉइल, ये एक सोलेनोइड है या एक क्वाइल है, जो भी आप कहना चाहें। इस प्रैक्टिकल को हम दो तरह से ऑब्जर्व करेंगे, दोनों मेथड में आपको बता दूंगा। बच्चों इस फिगर को जरा दो मिनट का टाइम दे दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको इसमें यूज होने वाले हर एक कंपोनेंट के बारे में बताऊंगा। ये अब बच्चों आप इस फिगर को ध्यान से देखें, तो यहाँ पर ये बैटरी लगी है, मैं मान लेता हूँ ये बैटरी जो है वो 50 वोल्ट की है, यहाँ पर रिहेस्टोर लगा हुआ है, आरएच लगा हुआ है, और ये तो आपका की है बच्चों।
अब देखिए क्या होगा, जैसे हम आप देखते हैं हमारे आपके घर में पंखों में रेगुलेटर्स लगे होते हैं, तो जो रेगुलेटर्स बच्चों लगे होते हैं वो रेगुलेटर्स क्या करते हैं, पंखे की स्पीड को घटाते या बढ़ाते हैं। कैसे घटाते बढ़ाते बच्चों? करंट की वैल्यू को अप एंड डाउन करके। वैसे ही हम इस पॉइंट को आगे पीछे करके, जैसे मैं मान लूँ अगर कि इसका जो बच्चों रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है, इस पूरे सर्किट का कितना है 10 ओम है, तो यहां पर करंट कितना बह रहा होगा, V इज इक्वल टू आई आर से अगर मैं बात करूं तो I इज इक्वल टू मैं लगा सकता हूं V अपान आर। V बच्चों 50 वोल्ट है और यहां पर ये कितना है 10 ओम है, अगर मैं डिवाइड करूं तो कितना एम्पियर का करंट यहां बह रहा होगा, 5 एम्पियर का। तो बच्चों 5 एम्पियर का करंट इस सर्किट में फ्लो कर रहा है। पहला तरीका तो आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि अगर मैं यहां पर ये डिवाइस ना लगाऊं तो आपको पता है कि करंट जो है, अगर मान लीजिए यहां पे 5 एम्पियर का करंट पूरे सर्किट में फ्लो करेगा, तो बच्चों 5 एम्पियर का करंट ऐसा तो है नहीं कि सीधा 5 एम्पियर बहने लगेगा, धीरे धीरे करंट की वैल्यू इंक्रीज करती है, समझिएगा बात को, धीरे धीरे करंट की वैल्यू इंक्रीज करती है। हो सकता है कि 5 एम्पियर तक के करंट को पहुंचने में बहुत कम टाइम लगे, हो सकता है 1 मिली सेकेंड या 1 माइक्रो सेकेंड का ही टाइम लगे, लेकिन कुछ तो टाइम बच्चों लगने वाला, 1 सेकेंड या 1 माइक्रो सेकेंड तो लगेगा। इसका मतलब जो कहानी शुरू होती है वो कितने एम्पियर से स्टार्ट होती है, 0 एम्पियर से, और फाइनली वो कहाँ जाती है, 5 एम्पियर तक, और यहाँ तक पहुँचने के लिए अगर कितना टाइम लग रहा है, 1 माइक्रो सेकेंड का, कितना, 1 माइक्रो सेकेंड मान लिया। अगर इतना भी टाइम लग रहा है तो इस करंट के चेंज होने में टाइम तो लग रहा है ना बच्चों, दैट मीन्स करंट की वैल्यू चेंज हो रही है। या करंट के वैल्यू चेंज करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका आप कई बुकों में पढ़ेंगे तो यह भी दिया है कि आप इस पॉइंट की वैल्यू को आगे पीछे करके आप चाहें तो करंट की वैल्यू को इंक्रीज भी कर सकते हैं और चाहें तो करंट की वैल्यू को डिक्रीज भी कर सकते हैं। बच्चों होता क्या है, अगर आप बायोसेवर्ड की बात को याद करें, तो आपको पता होगा, आपने फॉर्मूला भी पढ़ा है वहां पर, क्या फॉर्मूला है बच्चों, बी इज इक्वल टू द म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और क्या होता है, आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब बच्चों इस फॉर्मूले को देखें तो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, दैट मीन्स करंट की वैल्यू को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड अपने आप क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। दैट मीन्स आई की वैल्यू के बढ़ने घटने से सीधा सीधा मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज या डिक्रीज करता है। अब मैग्नेटिक फील्ड बच्चों याद करिए, मैग्नेटिक फील्ड किस तरह के फॉर्म में पाया जाता है, तो आपको याद होगा कि मैग्नेटिक फील्ड बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे होता है, दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड यहां पे मैं बना दे रहा हूं। अब ये बच्चों इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखिए आप, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस सोलेनॉइड से या इस कॉइल से होके पास हो रही हैं। अब इससे जब पास होंगी तो बच्चों इस क्वाइल का कुछ ना कुछ तो एरिया होगा, मैं मान लेता हूं यहां पर क्या एरिया है, ए, और मान लेता हूं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अभी कितनी क्रिएट हुई है, बी बेबर की। तो बच्चों यहां पर एरिया भी है और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, जहां पर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होंगे वहां पर बच्चों क्या जनरेट हो जाएगा, फाई इक्वल्स टू बी ए। तो यहां पर बच्चों आ गया मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका मतलब इस सोलेनॉइड में या इस क्वाइल के अंदर एक फ्लक्स जनरेट हो गया, कितना फ्लक्स जनरेट हुआ, फाइ इक्वल टू बी ए से। अब फाइ इक्वल टू बी ए से इसमें मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट हो गया बच्चों, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, करंट की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, दैट मींस करंट की वैल्यू को या तो इंक्रीज कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। करंट की वैल्यू को अगर मैं इंक्रीज या डिक्रीज करूं तो किसकी वैल्यू में चेंजेस आ जाएंगे, बी की वैल्यू में चेंजेस आएंगे। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं कि मैं किसकी वैल्यू चेंज कर रहा हूं बच्चों, अगर चेंज इन आई होगा, अगर इस सर्किट की जो करंट की वैल्यू है उसमें क्या कर दिया जाए, चेंज लाया जाए, तो ये चेंज किसको बदल देगा बच्चों, इसके चेंज होने से किसमें चेंज आ जाएगा बच्चों, चेंज इन बी आ जाएगा। दैट मींस आई के चेंज होने से क्या चेंज हो रहा है बच्चों, बी चेंज हो रहा है। और बच्चों आपको पता तो है ना कि इस सोलेनॉइड का या इस क्वाइल का एरिया तो बदलने वाला है नहीं बार बार, कि आप करंट की वैल्यू को इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। मींस ए कॉन्स्टेंट है, मींस फाई सीधा सीधा किस पर डिपेंड कर रहा है, बी पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँ बी, तो बी के चेंज होने से बच्चों किसमें चेंज आ जाएगा, चेंज इन आ जाएगा, किस पे, फाई पे चेंज आ जाएगा। तो चेंज इन फाई आ जाता है बच्चों, फ्लक्स में चेंज आ जाता है। और जो फ्लक्स का चेंज होता है बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंजेस आते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अगर आप स्टडी करें फराडे ला, तो फराडे ने बच्चों हमें यह बताया था कि अगर कोई आप
सर्किट में अगर कोई फ्लक्स जनरेट हो चुका है और अगर आप फ्लक्स को चेंज करेंगे तो उसमें बच्चों आ जाता है फाइनली क्या, फाई के भाई कौन आ गए, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, अब ये ईएमएफ किसको जनरेट करते हैं, एक और करंट को, जिसको हम बोल सकते हैं बच्चों क्या, इंड्यूस्ड करंट। इसको हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, इंड्यूस्ड करंट बोल सकते हैं। दैट मींस कहानी शुरू हुई थी चेंज इन आई से, करंट को बदलना हमने स्टार्ट किया, इस सर्किट के करंट को चेंज करना शुरू किया, और सर्किट के करंट को चेंज करने देखे चेंज होते 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 क्या चेंज हो गया, सीधा करंट चेंज हो गया, इंड्यूस्ड करंट आ गया। एक और करंट मैं यही समझाना चाहता था आपको कि अगर मान लीजिए इसका करंट आप स्टेबल कर दें, फिक्स कर दें, मींस करंट को ना बदलने दें, तो गाइस अगर करंट नहीं बदलेगा तो फिर कुछ नहीं होने वाला, सब बढ़िया चलता रहेगा। और अगर आप मान लीजिए करंट की वैल्यू को चेंज करेंगे तो करंट की वैल्यू को चेंज होने से बी की वैल्यू चेंज होगी, बी से बच्चों कौन चेंज होगा, फाई चेंज होगा, फाई के भाई ईएमएफ और ईएमएफ की बहन इंड्यूस्ड करंट। तो बच्चों पूरी रिश्तेदारी समाज देके पूरा आ गया बैठ गया, ठीक है ना। और जब बहुत सारा पढ़ा, बहुत सारा परिवार आ जाएगा, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे, बहुत सारे भाई बहन होंगे, तो माता पिता की संपत्ति बटेगी, विरोधाभास होगा। तो बच्चों यहां पर ये अपोजिशन स्टार्ट करते हैं, किसका अपोजिशन स्टार्ट करते हैं, जिनसे ये खुद को जनरेट कर रहे हैं। ये किसने बताया था बच्चों, लेंज लॉ। अगर आप लेंज लॉ पढ़ें तो लेंज लॉ में आपको क्या बताया गया बच्चों कि अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेज द फिनोमिना बाय विच इट इज एक्चुअली जनरेटेड। मींस ये जिससे जनरेट हुई है ये खुद उसका ही विरोध करना स्टार्ट कर देती है, ये इंड्यूस्ड करंट। सो अगर ये मान लीजिए यहां पर मैं बच्चों इसको ऐसे ड्रॉ करूं, देखिएगा जरा सा, अगर मैं इसको बाहर निकाल के ड्रॉ करूं तो अगर आप करंट की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे और करंट इधर जा रहा है तो इंड्यूस्ड करंट इधर तरफ चलेगा, इंड्यूस्ड करंट इस तरफ चलेगा और कहेगा भाई देखो आप बढ़ रहे हो, मैं आपको बढ़ने नहीं दूंगा, मैं आपको घटा दूंगा। क्योंकि इंड्यूस्ड करंट का काम क्या है कि वो जिससे ओरिजिनेटेड हुए हैं उन्हीं को वो अपोज करेंगे, और ये मेन करंट से आए हैं, मेन करंट में चेंज करने से ही तो इंड्यूस्ड करंट आया है। तो ये क्या करेंगे, ऐसी डायरेक्शन में चलेंगे कि उस चीज को अपोज करेंगे जिससे खुद आए हैं। तो ये करंट की वैल्यू को आप इंक्रीज करोगे तो ये चाहेंगे हम डिक्रीज कर दें, इस डायरेक्शन में चलेंगे। और बच्चों अगर मैं इसको अपोजिशन कर दूं, ये कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा लहराता हुआ नहीं बनाने की जरूरत है बच्चों, ये अगर मैं आई की वैल्यू को डिक्रीज कर दूं तो आपके इंड्यूस करंट क्या करेगा, कहेगा भाई देखो ऐसा नहीं कर सकते हो, अपने आप को कम नहीं कर सकते हो, कम करोगे तो हम आ जाएंगे और हम आना नहीं चाहते हैं। तो ये इसकी वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे। देखिए दोनों तरह के फिनोमिना है, एक कंडीशन में इंड्यूस करंट का डायरेक्शन इस तरफ है अपोजिट टू द मेन करंट, और एक टूवर्ड्स उसी के साथ में चल रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि उसका अपना कोई डायरेक्शन नहीं, उसको तो देखना है हमको विरोध कैसे करना है। जैसे कि आप देखें कि जो विपक्षी पार्टियां होती हैं अपने राष्ट्र में, वो कितना भी अच्छा काम हो रहा है उसको बुराई तो बताना है हमें, ठीक है ना, बुराई तो बताना है। तो वैसे ही आपको इन्हें क्या करना है, उल्टा ही करना है, जो हो रहा है उसका उल्टा करना है। तो यहां पर ये फिनोमिना आपको समझ में आ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, ऐसे फिनोमिना को बच्चों हम लोग सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं, इस फिनोमिना को हम लोग सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। सो गाइस मुझे लगता है आपको ये बात समझ आ गई होगी, मैं एक बार सम अप करूंगा और फिर इरेज करके आगे बढ़ूंगा। तो चलिए सेल्फ इंडक्शन की बात कर लूं फिर से मैं एक बार, कि अगर कोई मान लीजिए आपके पास सोलेनोइड या क्वाइल है, उसमें करंट बह रहा है, करंट की वैल्यू चेंज नहीं करेंगे सब बढ़िया रहेगा, लेकिन करंट की वैल्यू चेंज करेंगे तो क्या चेंज होगा, बी चेंज होगा, बी से क्या चेंज होगा बच्चों, फाई, फाई के भाई ईएमएफ और ईएमएफ की बहन इंड्यूस करंट आ जाएगा। इंड्यूस करंट क्या करेगा, मेन करंट को अपोज करेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। अगर इसके बढ़ने से आ रही है तो इसको घटाएगी, और इसके घटने से आ रही है तो इसको बढ़ाएगी। इस फिनोमिना को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। मैं आपको चाहूंगा आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं इसको इरेज करता हूं। सो गाइस मैं ऐसा मान ले रहा हूं कि जो मेरे पास ये कॉइल है इसमें एन ऐसे टर्न्स लगे हैं, ये इसमें कितने टर्न है बतनो, कितने फेरे दिख रहे हैं आपको, एन फेरे, सॉरी यहां पर एन फेरे मुझे दिख रहे हैं, बहुत सारे फेरे हैं, और मैं मान लेता हूं कि हर फेरे के साथ कितना फ्लक्स बंधा हुआ है, फाइव, हर फेरे के साथ फाइव फ्लक्स बंधा हुआ है। तो बच्चों अगर एक फेरे के साथ फाइव फ्लक्स बंधा है, दो फेरों के साथ कितना बंधा होगा, टू फाइव, दस फेरों के साथ क्या होगा, टेन फाइव, और एन फेरों के साथ क्या हो जाएगा बच्चों,
एन फाई, मतलब यहां पर टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा बच्चों, एन फाई हो जाएगा। अब बच्चों यहां पर फ्लक्स में जो चेंजेस आते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, करंट पर डिपेंड करते हैं। अभी हम लोगों ने बात करी कि आई की वैल्यू से बी चेंज होता है और बी की वैल्यू से कौन चेंज होता है बच्चों, एन फाई। तो यहां पर एन फाई किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बच्चों, एन फाई डिपेंड्स अपॉन आई, आई के चेंज होने पर। अगर यहां मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो दो में से एक ही लोग बैठ सकते हैं, या तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या कांस्टेंट। यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बैठे तो कांस्टेंट की जगह नहीं, और यहां पर कांस्टेंट आके बैठेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए जगह खत्म हो जाएगी। तो क्या हो जाता है, एल इंटू आई, ये आई इधर डिवाइड में आ जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा, एन फाई बाई एल इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एन फाई बाई आई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एल। तो बच्चों ये जो फॉर्मूला निकल के आया है, एल इज इक्वल टू द एन फाई बाई आई, अब देखने से तो ऐसा लगता है बच्चों कि एल की वैल्यू जो है वो फाई पर डिपेंड करती है और आई पर डिपेंड करती है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं बच्चों। ना तो एल की वैल्यू फाई पर डिपेंड करती है, ना एल की वैल्यू आई पर डिपेंड करती है, एल की वैल्यू दोनों पर डिपेंड नहीं करती है। आप कहेंगे तो फॉर्मूले में तो साफ साफ दिख रहा है बच्चों, ऐसा ही रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस के बारे में आप पढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, वायर की लेंथ पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है, ठीक है, इन चीजों पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है, लेकिन क्या करंट पे डिपेंड करता है, नहीं डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस की तरह यह भी बच्चों इस पर डिपेंड करेगा कि जो आपने यहां पर कॉइल लिया है उसका शेप कैसा है, उसका साइज कैसा है, उसका ओरिएंटेशन कैसा है। इन बातों से तो एल की वैल्यू चेंज होगी, लेकिन और बातों का इस पर कोई असर नहीं होने वाला है। अब बच्चों मैं यहां पे क्या एज्यूम कर लेता हूं, मैं मान लेता हूं कि यहां जो करंट अभी फ्लो हो रहा है वो 1 एम्पियर है। सो बच्चों मैंने मान लिया आई की वैल्यू कितनी है, 1 एम्पियर। तो आई अगर 1 एम्पियर हो जाए तो बच्चों एल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ठीक, एन फाई के इक्वल आ जाएगा। यहां पर बच्चों आपको याद रखना होगा कि जो एल आया है, मैं बताने के लिए भूल गया, इसको बोलते हैं कॉफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ये किसकी कॉफी है, कॉफिशियंट है, सेल्फ इंडक्शन का कॉफिशियंट है, ठीक है ना। वो किसके इक्वल हो गया है बच्चों, फ्लक्स लिंकेज के इक्वल हो गया, फ्लक्स ग्रंथिताओं के इक्वल हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि कॉफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, मैं हिंदी पे डिस्प्ले पे आ गया, उसको पढ़ लीजिए, इसी को मैं हिंदी पे मैंने बोल दिया, यहां पे लिख दिया और इंग्लिश में मैं बोल दे रहा हूं, दैट द वैल्यू ऑफ कॉफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज इक्वल टू द फ्लक्स लिंकेज। व्हेन, कब बच्चों, ये कब हुआ, व्हेन द करंट इन द सर्किट इज 1 एम्पियर और यूनिट, 1 एम्पियर भी बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि पूरे सर्किट में एकांक धारा है, यूनिट करंट फ्लो हो रहा है। जब यूनिट करंट फ्लो होता है तो सेल्फ इंडक्शन का जो कॉफिशियंट है वो किसके इक्वल हो जाता है, फ्लक्स लिंकेज के, इसी को हम लोग फ्लक्स ग्रंथिताएं भी बोलते हैं। सो बच्चों ये तो आपकी प्रॉपर्टी हो गई। अब मैं जानना चाहता था कि इन भाई साहब का फैराडे से कोई लेना देना तो नहीं है, तो फैराडे तो हमें ये बताते हैं बच्चों, क्या बताए थे हमें, बड़े चुपके से आके हमको बताए थे, कहते किसी को बताना मत, किसी को बताना मत, पर हम आपको बता रहे हैं, ए इक्वल्स टू द माइनस एन डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। दैट मीन्स ये आपने पढ़ा होगा दैट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है ना। यहाँ पर मैं अगर इस एन को अंदर डाल दूँ, एन भाई साहब कह रहे थे क्यों भाई मेरे को बाहर डाल दिया, एन फाई बाई क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। लेकिन हम लोगों ने बच्चों क्या पढ़ा, दैट एन फाई इक्वल्स टू, तो बच्चों होता है एल आई, ई इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस डेल्टा एल आई अपॉन में बच्चों क्या आ गया, डेल्टा टी। सो गाइज यहां पर एन फाई था, वहां पर हमने एन फाई की जगह पर क्या पुट कर दिया बच्चों, एल आई पुट कर दिया। अब आपको पता है जो एल है ना वो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, किसी भी एक ओरिएंटेशन और एक शेप के किसी भी क्वाइल के लिए। तो बच्चों ये कांस्टेंट है तो मैं इसको बाहर निकाल दे रहा हूँ, E इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, माइनस का L डेल्टा I बाई डेल्टा T, ठीक, L डेल्टा I बाई डेल्टा T। यहाँ से बच्चों मैं L की वैल्यू चाहता था निकाल लूँ, मैं, हम लोग तो आज इन्हीं भाई साहब के बारे में बात करेंगे, शादी के दिन तो दूल्हे की वैल्यू होती है, आज L की वैल्यू है, आज ही L का दिन है, निकाल देते हैं भाई। L के लिए निकालेंगे सब लोग एक साइड आ जाएंगे, कहेंगे भाई दूल्हे को एक साइड रखो बाकी लोग एक साइड, माइनस ई डेल्टा आई बाई डेल्टा टी, एल इक्वल्स टू माइनस ई डेल्टा आई बाई डेल्टा ई वैल्यू आपको दिख रही है। अब बच्चों मैं यहां पे क्या करता हूं, ये जो है ना वो डी आई सॉरी डी डेल्टा ये सब तो
कंफ्यूज करने वाली चीज़ें हैं। डेल्टा आई बाई डेल्टा टी, ये है चेंज ऑफ रेट ऑफ करंट। तो मैं ऐसा करता हूँ, डेल्टा आई बाई डेल्टा टी को मान लेता हूँ, मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितना है, 1 एम्पियर पर सेकेंड। दैट मीन्स सर्किट में एक सेकेंड में कितने एम्पियर का चेंज आ रहा है, 1 एम्पियर का। एक सेकेंड में करंट की कितनी वैल्यू चेंज हो रही है बच्चों, 1 एम्पियर चेंज हो रही है। तो इसका मतलब मैं यहां एल इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, माइनस का ही। निगेटिव साइन चेंज शोज द डिक्रीज। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कॉफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हिंदी में आगे डेफिनेशन। तो यहां पर जो कॉफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है वो किसके इक्वल होता है बच्चों, ई कौन, ई फॉर एलिफेंट, एलिफेंट नहीं बच्चों, आप ट्वेल्थ में ई फॉर ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो कॉफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन किसके इक्वल हो गया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के, व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज 1 एम्पियर पर सेकेंड। यूनिट चेंज हो रहा है तब आपका जो एल होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, ई के इक्वल हो जाता है। ठीक बच्चों, अगर मैं मान लूं थोड़ी देर के लिए, आप भी मेरे साथ मान लो, मानने में क्या जाता है, मैंने माना डेल्टा आई बाई डेल्टा टी 1 एम्पियर पर सेकेंड जब करा तो जो ई पैदा हुआ वो भी कितना आया, ई पैदा हुआ, जनरेट हुआ, ई भी कितना जनरेट हुआ, 1 वोल्ट जनरेट हुआ। तो मैं यहां पर रख दूंगा एल बराबर हो जाएगा 1 बाई 1 बराबर 1 ऊपर होगा वोल्ट अपॉन एम्पियर, वोल्ट एम्पियर सेकंड, ठीक है ना। ये निकल के आएगा 1, इसको भी 1, इसको भी 1 मान लिया। ऐसी कंडीशन में कहा जाता है 1 वोल्ट पर एम्पियर सेकंड को आप, एम्पियर पर सेकंड को आप 1 हेनरी बोल सकते हैं, 1 हेनरी, मैट हेनरी द न्यूजीलैंड प्लेयर, 1 हेनरी करंट नहीं, 1 हेनरी इंडक्टेंस है इसका। तो 1 हेनरी आपको यहां देखने को मिला। अब आपसे कोई पूछे कि 1 हेनरी कौन होता है, 1 हेनरी कौन होता है, 1 वोल्ट पर एम्पियर पर सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 हेनरी। इसके बाद छोटी छोटी हेनरी भी हैं, छोटी छोटी हेनरी कौन है, 1 मिली हेनरी है, 1 माइक्रो हेनरी है। इस छोटी छोटी हेनरी का क्या काम, काम लगता है बच्चों, सोना सब कोई क्विंटल भर थोड़े ना खरीदता है भाई, ग्रामों में आता है तो ग्राम की भी तो जरूरत पड़ेगी, सबका किलो में लाओगे भाई। तो मिली और माइक्रो हेनरी भी होती हैं, ये इसकी छोटी यूनिट्स हैं। इसके अलावा हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी बच्चों निकाल सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको आप डायरेक्टली देख लें, ML² T^-2 a^-2 ये इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा L का। अब L का डायमेंशनल फार्मूला आप चाहो तो यहां E का ले लो, I का ले लो, T का ले लो, भाई सब का रख दो निकल आएगा ML² T^-2 a^-2। ये हमारा बच्चों क्या हो गया, डायमेंशनल फार्मूला होगा किसका, L फॉर सेल्फ इंडक्शंस का। सो बच्चों फटक से 3 उंगलियां डिस्प्ले में रख के नीचे खिंचका एक स्क्रीनशॉट लो। तो देखा बच्चों 3 उंगली खिसकाने का क्या फायदा है, पूरा मैदान साफ कर दिया। तो बच्चों चलिए न्यूमेरिकल देख लेते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्वाइल है जिसमें बच्चों कितने फेरे हैं, 500 फेरे हैं, 500 टर्न वाली कोई एक हमारे पास सोलेनॉइड है। उसमें जो करंट बह रहा है बच्चों वो बह रहा है 2.5 एम्पियर का। बच्चों ये जो करंट है वो डायरेक्ट है। इसके अलावा इसका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है 1.4 × 10⁻⁴ वेबर है। ये जानकारी दी है और हमसे पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ हेल। सो हेल इज इक्वल टू बच्चों क्या फॉर्मूला पढ़ाया आपने, N φ/I। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, N लगाएंगे 500, φ 1.4, 10⁻⁴ अपॉन में 2.5। 500 से बच्चों इसको हमने पॉइंट हटा के बना दिया 5000, तो 25 हो गया और 25 × 50 मतलब 200 हो गया, और 200 का गुणा करोगे तो 14 × 28 होगा बच्चों, और 10⁻⁴ होगा। अगर इसको मैं एक जीरो इसको दे दूं तो यहाँ हो जाएगा 28 × 10⁻³। ये वैसे तो एक्चुअल में हेनरी है लेकिन 10⁻³ को हटाएंगे तो बच्चों क्या बन जाएगा, 28 मिली हेनरी भी आप इसको लिख सकते हैं।
सो गाइज ये न्यूमेरिकल में आपको तीन वैल्यूज दी थी एन फाई और आई। एन की वैल्यू कितनी थी, कितने फेरे लगे हुए थे 500, आई कितना बह रहा था 2.5 एम्पियर और फ्लक्स कितना था 1.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 बेबर। वैल्यू पुट करी, कैलकुलेशन किया और एल की वैल्यू आपके सामने है, समझ आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दूसरा न्यूमेरिकल शुरू करें तब तक। सो गाइज अगले न्यूमेरिकल में जो हमारे पास डिटेल दिया है उसको आप देख लीजिए। मैं ऐसा करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, आपने स्क्रीनशॉट वैसे ही ले लिया है। तो देखिए टाइम दिया है, कह रहे हैं कि हमारे पास एक कोई क्या है बच्चों, क्वाइल है और क्वाइल में 0.2 सेकंड में कितना टाइम लग रहा है, 0.2 सेकंड में जो करंट है वो कितना हो जाता है 8 मिली एम्पियर से 4 मिली एम्पियर हो जाता है। तो बच्चों 8 मिली एम्पियर था और मिली एम्पियर 8 से कितना हो गया, मुझे हिंदी बोलना अच्छा लगता है भाई, क्या करें, हिंदी भाषा है और आप भी बोला करिए, गर्व से कहिए आप हिंदुस्तानी हैं, मुझे गर्व है कि मेरा जन्म भारत देश में हुआ। डेल्टा आई की वैल्यू बच्चों यहाँ 4 मिली एम्पियर आ गई है और एल की जो वैल्यू दी है वो हमें इंडक्टेंस इसका दिया हुआ 0.3 और वो भी बच्चों मिली है, हमें मिला तो हमें हरदम मिली ही मिली। 10 टू द पावर माइनस 3 लगा के आप चाहें तो इस मिली शब्द से छुट्टी पा सकते हैं, हमने दोनों के आगे 10 टू द पावर माइनस 3 लगाया, मिली एम्पियर को एम्पियर बनाया और मिली हेनरी को हमने हेनरी बनाया। और फार्मूला क्या लिखा, E इज इक्वल टू माइनस एल डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। ई की वैल्यू बच्चों नहीं पता है, माइनस एल ई ही तो पूछ रहे थे, बताते हैं ना, रुको ना दो मिनट, 0.3 इंटू 10 की पावर माइनस 3, डेल्टा आई की वैल्यू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 और अपॉन में बच्चों क्या लिखना है 0.2। अब हमें दिखा कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हट गया और ऊपर क्या हो गया 4 3 जा हो गया 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 और अपॉन में क्या आ गया 2। इसको डिवाइड करें तो 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 और ये आ गया वोल्ट। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर तो निगेटिव साइन भूल गए, हाँ याद आया भूल गए, तो ये नेगेटिव साइन जो यहाँ पर बच्चों लगा हुआ है ये बताता है कि जो ईएमएफ जनरेट हुआ है वो ऐसी डायरेक्शन में है कि वो करंट को रिड्यूस करना चाहता है, करंट की वैल्यू को डिक्रीज करना चाहता है। सो गाइज आज के वीडियो में हम लोगों ने सीखा सेल्फ इंडक्शन। बच्चों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके हमें ज़रूर बताइए, अच्छा लगा है तो एक अपना लाइक दे दीजिए, आपका लाइक ही हमारी मेहनत के लिए आपके द्वारा दिया गया प्रोत्साहन है। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, म्यूचुअल इंडक्शन का वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, योर होस्ट एंड दोस्त एजुकेट एवरीवन। जय हिंद जय भारत।